हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्टर एंड आरजे हितेश भारद्वाज के बारे में। मथुरा में पैदा हुए हितेश जब कमाने लायक हुए तो पहली जॉब उन्हें 2000 रुपये महीने की मिली थी। फिर वहां से कैसे हितेश ने उड़ारियां और छोटी सरदारनी जैसे शोज तक का सफ़र तय किया और कैसे बने वो लाखों दिलों के फेवरेट, वीडियो में हम ये सब तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शुरू से। कुमार बारावंकवी साहब लिखते हैं कि ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लग गए। हितेश भारद्वाज का जन्म 23 दिसंबर 1991 में मथुरा उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ। हितेश की फैमिली में उनके पापा हैं जिनका नाम राकेश भारद्वाज है, माँ हैं कुसुम लता शर्मा, एक भाई हैं राहुल भारद्वाज और हितेश की वाइफ हैं सुदिति श्रीवास्तव। हितेश बचपन से ही बहुत टैलेंटेड रहे, खासकर उनकी वॉइस और कॉन्फिडेंस उनकी एज से ज़्यादा ही रहा। हितेश की स्कूली पढ़ाई आर्मी पब्लिक स्कूल मथुरा से हुई। स्कूलिंग के बाद हितेश ने आगरा के सेंट जॉन्स कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन पूरी होते होते हितेश जॉब भी ढूंढने लगे थे, इसीलिए कुछ टाइम बाद उन्हें एक लोकल न्यूज चैनल में न्यूज प्रेजेंटर के तौर पर पहली जॉब मिल गई। इस जॉब में हितेश को पर मंथ 2000 रुपये सैलरी मिला करती थी। कुछ टाइम यहां काम करने के बाद हितेश को बिग FM 92.7 में आरजे की जॉब मिल गई। बिग FM पर रेडियो जॉकी के तौर पर हितेश काफ़ी पसंद किए गए। ये काम भी हितेश को बहुत पसंद था और आज भी पसंद है, इसीलिए वो आज भी पार्ट टाइम में इश्क FM 104.8 में रेडियो जॉकी के तौर पर सुनने को मिल जाएंगे। बिग FM पर रेडियो जॉकी का काम करते हुए हितेश को बहुत से लोग बोलने लगे कि तुम मुंबई चले जाओ, तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है और टैलेंटेड भी हो। जब हितेश से ये काफ़ी ज़्यादा बोला जाने लगा तो उन्होंने भी मान लिया कि वो मुंबई जाएंगे और एक्टिंग में ट्राई करेंगे। साल 2012 में हितेश एक्टिंग में करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए और यहां आकर वो ऑडिशंस देने लगे। साल 2012 में ही हितेश को सेवरीन गूगल टॉपर ऑफ द ईयर शो में काम करने का मौका मिला। शो में उनका साइड रोल था, इसीलिए इस शो से उनके करियर को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और फिर कई सालों तक उन्हें कोई एक्टिंग वर्क नहीं मिला। शायद इसकी वजह ये थी कि हितेश उस टाइम काफ़ी मोटे हुआ करते थे, उनका बॉडी वेट लगभग 120 किलोग्राम था। जब हितेश को काफ़ी टाइम तक काम नहीं मिला तो उन्होंने अपनी बॉडी को फिट बनाने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। कई महीनों तक उन्होंने हैवी वर्कआउट के साथ स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो की, जिसमें वो डेली 15 से 20 बॉइल्ड एग खाया करते थे। साथ ही और भी बहुत कुछ उनकी डाइट में शामिल था। हितेश की कड़ी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे वो फैट से फिट हो गए। इस दौरान वो लगातार ऑडिशंस दे रहे थे। फिर हितेश को साल 2016 में अगला काम मिला। 2016 में हितेश ने अगर तुम साथ हो शो में रवि नाम का लीड रोल किया। यहाँ उन्होंने काफ़ी टाइम तक काम किया, यहाँ से उन्हें टीवी पर अच्छी पहचान मिल गई। साल 2018 में हितेश को बॉलीवुड में भी डेब्यू करने का मौका मिला। उन्होंने बॉलीवुड मूवी जाने भी क्यों दो यारों में एक छोटा सा रोल किया। साल 2019 में हितेश को मिला वो टीवी शो जिसने उन्हें टीवी इंडस्ट्री में बड़ी पहचान दिलाई। ये शो था छोटी सरदारनी, जिसमें हितेश ने निमृत कौर आलूवालिया के साथ काम किया। इस शो में हितेश ने मानव शर्मा एंड विक्रम दीवान का किरदार प्ले किया। इसके बाद साल 2021 में हितेश ने शौर्य और अनोखी की कहानी शो में ACP आहिर का किरदार निभाया और 2021 में ही इस मोड़ से जाते हैं शो में संजय पाठक का भी किरदार निभाया। साल 2022 में हितेश को वो शो मिला जिसका नाम पहले से बहुत बड़ा था। जी हां, हम बात कर रहे हैं कलर्स के फेमस शो उड़ारियां की। इस शो से वो टीवी के एक स्टार एक्टर बन गए। शो में उन्होंने एकम प्रीत सिंह रंधावा का रोल प्ले किया है, जिस रोल में उन्हें बहुत पसंद किया गया है। न्यूज प्रेजेंटर के तौर पर करियर शुरू करने वाले हितेश आज टीवी के जाने माने नाम हैं और ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है। चलिए दोस्तों, हितेश के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। हितेश ने साल 2019 में सुदिति श्रीवास्तव से शादी कर ली। हितेश और सुदिति लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं। सुदिति मफतलाल इंडस्ट्रीज में काम करती हैं।
हितेश ने साल 2018 में कन्फेशन नामक शॉर्ट फिल्म में और 2020 में ब्रिज नामक शॉर्ट फिल्म में काम किया है। हितेश एक्टर और आरजे होने के साथ साथ पोएट, एंकर और राइटर भी हैं। हितेश का सपना है कि वो कभी लॉर्ड कृष्णा का रोल करें और किसी एथलीट की बायोपिक करें। हितेश को बुक्स पढ़ना, जिम करना और भगवान की पूजा करना बहुत पसंद है। हितेश के फेवरेट फूड छोले भटूरे और ऑमलेट हैं, साथ ही उन्हें चाय भी काफ़ी पसंद है। बात करें उनकी हाइट की तो उनकी हाइट 5 फीट 10 इंच और बॉडी वेट लगभग 72 kg है। शिट, शिट, अब ये किसने किया? मैंने। हा? टायर पंचर करने में मुझे बड़ा मजा आता है। ये जोक था? था तो। I don't like jokes. I don't like you. Oh really? तो फ्रेंड्स, ये थी बायोग्राफी और लाइफ स्टोरी हितेश भारद्वाज की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।